होशंगाबाद जिले का सीएमएचओ ऑफिस गुरुवार को अखाड़ा बन गया। यहां महिला स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। तीन महिलाओं ने मिलकर एक महिला को बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद घसीटकर लात घूंसे मारे। करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। ऑफिस में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। मारपीट का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े सीएमएचओ की तरफ से 11 अगस्त को देर शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हैं। इसमें इंदौर ग्वालियर में 3-3, भोपाल में 2 और जबलपुर में 1 पॉजिटिव मिला है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में सम्मान किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। सीएम ने मंच से कहा कि विवेक सागर आज से डीएसपी हैं। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने फिर ब्रेक ले लिया है। जुलाई के बाद ये दूसरी बार है जब मॉनसूनी एक्टिविटी रुकी है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि सिस्टम के हिमालय के तराई के इलाकों में जाने के कारण भोपाल और इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अभी थम गया है। अगले 4-5 दिन तक इसी तरह धूप निकलेगी और शाम और रात में हल्की बारिश होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं और 12वीं में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट को छोड़कर अन्य किसी भी बोर्ड या अन्य राज्य के किसी छात्र को पास होने की संभावना के आधार पर कक्षा 10वीं 12वीं में अस्थायी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भोपाल में 50% क्षमता से कोचिंग क्लास खुल सकेंगी। कलेक्टर अविनाश लावलिया ने बुधवार को छूट के आदेश जारी कर दिए। हालांकि कोचिंग क्लास संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क के क्लास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना होगा। लापरवाही पाए जाने पर संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी।